Now coming to the features of the drone, so this drone, it comes with a 2.7K कैमरा और इसके साथ साथ आप फुली एच डी 180p के वीडियोज भी ले सकते हैं और ये 3x गिम्बल है. गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, दिस इज सनत. सो पिछले ब्लॉग में हम लोगों ने DJI Mavic Mini का अनबॉक्सिंग किया था और इस ब्लॉग में हम लोग DJI Mavic Mini का फ्लाइट टेस्ट एंड फुटेज टेस्ट लेने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. सो लेट मी शो यू अगेन कि इस केस में क्या क्या चीज़ है. दिस इज द Mavic Mini ड्रोन. दिस द Mavic Mini कंट्रोलर एंड दिस द Mavic Mini सीरियल चार्जिंग हब. सो लेट्स बिगिन विद द ड्रोन. लेट मी ओपन अप द प्रॉपलर एंड द आर्म्स. So this is how the drone looks when opened, and if you look at this, it's almost around 249 grams. So India में अगर आप 249 grams के drone अगर use कर रहे हो, so you need not register it. आप straight away इसको use कर सकते हो. Now coming to the features of the drone, so this drone, it comes with a 2.7K कैमरा और इसके साथ साथ आप फुली एच डी 180p के वीडियोज भी ले सकते हैं और ये 3x गिम्बल है. एंड इफ यू लुक एट द बैक, दिस इज द USB स्लॉट एंड ये आपका मेमोरी कार्ड स्लॉट है. एंड अगर आप इसको ऐसे ओपन करते हो तो इसके अंदर बैटरी जाएगा. लेट मी शो यू. तो इसके अंदर ऐसे बैटरी जाता है. ओके. और ये हो गए आपके ड्रोन के दो सेंसर्स एंड दिस इज द पावर ऑन एंड ऑफ बटन. सो अगर आपको ड्रोन को ऑन करना है तो आपको दो बार प्रेस करना पड़ेगा. फर्स्ट यू हैव टू प्रेस इट वंस, देन यू हैव टू प्रेस एंड होल्ड इट अंटिल यू गेट एन साउंड और यू गेट अ बीप. So we got a beep. This means the drone is on. And this is the DJI Mavic Mini controller. आप इस controller को अपने phone के साथ connect करके drone को you can control. So these are the antennas. और आपको ऐसे खोलना है इसको. और यहाँ पे दो joysticks हैं. जॉयस्टिक्स निकाल के आप यहाँ पे लगा सकते हो. ये आपका हो गया जॉयस्टिक्स कनेक्टेड. आपको फोन को कनेक्ट करना है ऐसे. ये आपका हो गया फोन कनेक्टेड. एंड दिस इज द USB सी टाइप केबल. आपको दिस विल हेल्प यू इन कनेक्टिंग द रिमोट कंट्रोलर टू द फोन. सो लेट मी कनेक्ट इट. तो यहाँ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो इसको. एक बार ये कनेक्ट हो गया फिर रिमोट कंट्रोलर के साथ ये हो गया आपका फोन और रिमोट कंट्रोलर कनेक्ट. सो यहाँ पे दो बटन है. सो दिस इज द पावर ऑन एंड ऑफ बटन एंड दिस इज द रिटर्न टू होम बटन. एंड इफ यू लुक एट दिस,
on your left hand side there's a video recording button, and on the right hand side there's a camera button, and right below the video recording button there's a gimbal scroller. So you can control your gimbal. This is a 3-axis gimbal. So in order to turn on the remote controller, you have to follow the same procedure. Press it once, then press it once again and hold it. So again I got a beep. That means the remote controller is on. So and this is the serial charging hub. Serial charging hub, it means पहला वाला बैटरी चार्ज होने के बाद, फुली चार्ज होने के बाद ही बाकी दो चार्ज होंगे. ऐसा नहीं कि तीनों एक साथ होंगे. द फर्स्ट वन विल गेट फुली चार्ज्ड, ओनली आफ्टर दैट द रिमेनिंग टू विल गेट चार्ज्ड. ऐसा नहीं है कि आप तीनों एक साथ चार्ज होंगे. पहला वाला चार्ज होगा फिर दो चार्ज होंगे, ऐसा. सो दिस इज वाई, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड अ सीरियल चार्जिंग हब. सो right now we'll go out in the open and let's check the video and flight footage of the Mavic Mini, and we'll also check how it performs. So let's begin. So this is me. So let me walk you through the elements that are available in the console. So let's begin. सो करेंटली अभी ड्रोन हवर कर रहा है. सो लेट्स बिगिन विद द टॉप लेफ्ट कॉर्नर. टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक दिख रहा होगा पी मोड. सो द ड्रोन इज करेंटली रिकॉर्डिंग एट पी मोड. इट्स नॉट रिकॉर्डिंग बट इट इज करेंटली इन एट पी मोड. सो देर आर 3 मोड्स हियर. दिस इज द स्पोर्ट्स मोड. स्पोर्ट्स मोड मतलब ड्रोन का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाता है. एंड दिस इज़ द सिनेमैटिक मोड. सिनेमैटिक मोड तो आपको पता ही होगा, मतलब ड्रोन काफ़ी स्लो जाता है. और पी मोड इज़ द नॉर्मल मोड. एंड इफ़ यू लुक एट द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन, सो दिस इज़ द लैंडिंग ऑप्शन. एंड राइट बिलो दिस दिस इज़ द गूगल मैप. सो करेंटली ये ड्रोन का जो टेक ऑफ और लैंडिंग पॉइंट जो भी है वो सब गूगल मैप से अपडेट होके होता है. ओके. एंड इफ यू लुक एट द बॉटम और राइट नेक्स्ट टू द मैप्स ऑप्शन, देर आर टू पैरामीटर्स एच एंड डी. सो एच स्टैंड्स फॉर हाइट एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस. ओके. सो ड्रोन अभी करेंटली 1.5 मीटर के हाइट पे है और डिस्टेंस 0.9 मीटर्स पे है. Okay, now let's come to the right left of the screen. So we have currently 2.89 gigabyte of space left with the memory card. Okay, and this is the auto or manual option. You can switch the recording to auto or manual option. Right above that ये जो play button है इस पर वो सारी चीज़ें दिखता है जो कि आपने आपके drone ने record किया हुआ है. Okay. एंड उसके ऊपर ये जो रेड बटन दिख रहा है दस यू दैट इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग. सो इट्स करेंटली रिकॉर्डिंग, लेट मी स्टॉप दैट. और उसके ऊपर जो है FHD दिख रहा है. सो दिस ड्रोन इट कम्स विथ टू फीचर्स. आई मीन यू कैन रिकॉर्ड यूजिंग टू ऑप्शंस. वन इज 2.7K एंड वन इज 180p. सो विथ 180p यू गेट टू रिकॉर्ड फ्रॉम 25 FPS टिल 60 FPS पर सेकेंड. And when it comes to 2.7K, you get only two options, 25 FPS and 30 FPS. और उसके ऊपर जो है ये फोटो के लिए है बस. यू कैन टेक इधर अ सिंगल शॉट और यू कैन टेक अ टाइम शॉट. और बिल्कुल ऊपर जो दिख रहा है 69, वो ड्रोन का चार्ज लेवल डिस्प्ले करता है. और उसके राइट में जो 19.48, मतलब दिस इज द रिकॉर्डिंग टाइम अवेलेबल विद योर ड्रोन राइट नाउ. और ये जो है 3 बटन, उसको प्रेस करने के बाद यू गेट दिस मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड. मतलब आप मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड यहाँ पे सेट कर सकते हो और मैक्सिमम डिस्टेंस भी आप सेट कर सकते हो. एंड दिस ऑटो RTH, ऑटो RTH मतलब व्हेन यू प्रेस दिस रिटर्न टू होम बटन, ड्रोन जो है वो आपका जो मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड के हाइट पे जाएगा और
वहाँ से उस ऑल्टीट्यूड से वो वापस लैंडिंग पॉइंट पे आएगा, मतलब जहाँ से टेक ऑफ हुआ था वहीं पे फिर से आके लैंड हो जाएगा। एंड इफ़ यू क्लिक ऑन दिस अपडेट होम पॉइंट बटन, दिस इज़ यूज टू अपडेट योर होम पॉइंट, मतलब आप जहाँ से भी टेक ऑफ करोगे वो पॉइंट आप अपडेट कर सकते हो, ताकि रिटर्न टू होम प्रेस करने के बाद ड्रोन जहाँ पे टेक ऑफ हुआ था वहीं पे आके लैंड हो जाएगा। ओके, सो लेट मी स्विच टू दिस क्विक शॉट। सो विथ मैविक मिनी यू गेट 4 डिफॉल्ट मोड्स और इनबिल्ट मोड्स, ड्रोनी, रॉकेट, सर्कल एंड हीलिक्स। सो ये प्रीसेट या इनबिल्ट मोड आते हैं। सो दैट्स ऑल, नाउ लेट अस टेक अ फ्लाइट टेस्ट। लेट्स टेक अ लुक एट द ड्रोनी शॉट फर्स्ट। सो ये मैंने जो हाइट है इसका 40 मीटर पे सेट किया और आई ट्रैक माई सेल्फ। ओके, सो एंड ओपन क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन, इट स्टार्ट। सो आई हैव ट्रैक्ड माई सेल्फ एंड द काउंटडाउन हैव स्टार्टेड, नाउ इट विल स्टार्ट। सो ये जो ड्रोन है ये 40 मीटर्स के हाइट पे जाएगा एंड इट विल ऑटोमेटिकली कम बैक। सो यू कैन सी द हाइट, इट इज़ करेंटली एट 11, 12, और डिस्टेंस भी जो है वो इंक्रीज होता रहता है। ओके, नाउ लेट अस टू टेक अ लुक एट द रॉकेट एंड विल अगेन सेट द हाइट टू 40 मीटर्स एंड आई विल अगेन ट्रैक माई सेल्फ and I'll click on start. So ये मेरे को track करके जो भी modes हैं वो सब करता रहता है। So let's try this out. Let's start. So this is the circle mode. So now let's check the helix again. We'll take it up to 40 meters and we'll start. So this is the helix mode. सो दिस इज़ द हीलिक्स मोड और सबसे ज़्यादा मुझे हीलिक्स मोड पसंद आया एज ऑफ नाउ। नाउ वी हैव ऑलरेडी ट्राइड द 4 मोड्स, नाउ लेट्स ट्राई सम ऑफ द shooting modes. So let's begin with the P mode first. Okay, and I'll play video and I'll just move the drone, and this is the P mode. So let's start with the P mode. I'll press the record button. तो ये हो गया आपका पी मोड।
सो एट द बॉटम यू कैन सी अबाउट द हाइट एंड डिस्टेंस इंक्रीजिंग, मतलब करंटली अभी ड्रोन 63 मीटर्स पे है और डिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 300 मीटर्स. सो आई कॉल इट बैक, आई एल प्रेस दिस होम बटन और एच बटन. सो यू कैन सी टू ऑप्शन हियर, वन इज लैंड एंड वन इज रिटर्न टू होम. सो इफ यू प्रेस लैंड तो ड्रोन जहाँ पे है वहीं पे लैंड हो जाएगा, बट आई विल गो हैड विथ रिटर्न टू होम. सो ड्रोन अभी क्या करेगा, जो मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड जो सेट हुआ था 80 मीटर्स, वो वहाँ तक जाएगा सी द हाइट. सो इट्स गोइंग एट अ डिस्टेंस एट अ ऑल्टीट्यूड ऑफ 80 मीटर्स एंड देन इट विल कम बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैड टेकन ऑफ, दैट इज नियर मी. It was currently in P mode. I'll switch the modes. So let's try the sports mode first. Okay. So this is the sports mode. So this is the sports mode. मतलब ड्रोन का स्पीड थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. अगेन मैं इसको मैं इसको 500 मीटर्स तक लेके जाता हूँ एंड आई विल कॉल इट बैक. सो बैटरी नहीं है यहाँ पे, सो आई हैव टू कॉल इट बैक. सो आई विल प्रेस कैंसल एंड आई विल हिट दिस बटन अगेन एंड आई विल प्रेस दिस रिटर्न टू होम. सो ये ऑलरेडी अभी 80 मीटर्स के हाइट पे है, तो ये और ऊपर नहीं जाएगा, इट विल स्ट्रेट अवे कम टू मी. यस, यू कैन सी होम पॉइंट अपडेटेड, रिटर्न टू होम ऑल्टीट्यूड एडजस्टेड टू 80 मीटर्स. दूसरी बात, वेन एवर यू आर अपडेटिंग द रिटर्न टू होम पॉइंट, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द ड्रोन इज इन फ्लाइट, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू इट. सो नाउ लेट्स गो अहेड विद द, वी हैव ऑलरेडी ट्राइड द पी मोड एंड एस मोड, नाउ लेट्स ट्राई द सिनेमैटिक मोड. I'll press the start button and I'll take it off. So cinematic mode में ड्रोन जो है काफ़ी बहुत स्लो जाता है या उड़ता है. Let me take it to a height of 50 meters and then we'll start the recording. और इसको और ऊपर लेके आते हैं. लेट्स डू समथिंग, हम इस रास्ते को ट्रैक करते हैं थ्रू सिनेमैटिक मोड. I'll switch to sports mode ताकि ये उस रास्ते पे थोड़ा जल्दी चले जाए. सो आई हैव चेंज्ड इट टू स्पोर्ट्स मोड, सो यू कैन सी स्पोर्ट्स मोड पे थोड़ा जो है स्पीड इंक्रीज हो गया है. ओके और मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ. सो दिस इज एट ए करंटली ऑफ हाइट ऑफ, सो इट हैज रीच द मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड. नाउ लेट्स स्टार्ट.
So currently I'm recording at in the cinematic mode. So स्लो मतलब स्पीड जो है काफी स्लो हो गया। सो ये रहा आपका सिनेमैटिक मोड। आई कॉल इट बैक यूजिंग द स्पोर्ट्स मोड। सो अभी ताकि आप वो जो स्पीड है वो यू कैन नोट दैट, और आपको दिख सके कि स्पीड में कितना डिफरेंस हो जाता है। सो आई एम स्विचिंग इट टू स्पोर्ट्स मोड एंड आई प्रेस दिस रिटर्न टू होम। सो सी इट विल ऑटोमेटिकली टर्न एंड इट विल कम बैक टू मी। सो आई रियली होप ये सारे मोड्स या फिर इसका जो फ्लाइट एंड फुटेज टेस्ट जो भी था ये सब आपको पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ मेक श्योर यू आर लाइकिंग सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द वीडियो। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो दैट्स ऑल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।